नमस्कार, मैं शेफ रवि स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे। आज की जो हमारी रेसिपी है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड रेसिपी है, जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा। मैं ये चाहता हूं कि आप इन आने वाले 10 दिनों में घर से बाहर ना निकले, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक प्यारी सी, बहुत ही अच्छी, स्वादिष्ट, एकदम बाजार जैसी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या रेसिपी। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इंग्रेडिएंट्स। हमने लिए हैं 3 प्याज, 3 टमाटर, थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ी सी जिंजर भी। मैंने ओनियन और टमाटर की प्यूरी बना ली। आप चाहें तो इसे बारीक भी काट सकते हैं। और ग्रीन चिली को मैंने स्लिट कर लिया है और जिंजर को मैंने स्लाइस काट लिया है। अब मैं आपको इसके सारे मसाले बता देता हूँ। मैंने डाला है 2 चम्मच छोले मसाले, जो कि मार्केट में आसानी से अवेलेबल होते हैं। फिर है 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पाउडर, फिर डाला है कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच, यानी कि धनिया पाउडर, और ये है मेन अमचूर पाउडर। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप अनारदाना भी ले सकते हैं। अब मैंने जो छोले लिए हैं वो लिए हैं काबुली वाले, बड़े साइज वाले। आप चाहें तो छोटे वाले पिंडी छोले भी ले सकते हैं। और इन्हें सोक कर लिया है 12 घंटे के लिए। अब कर लेते हैं गैस को चालू और रख देते हैं एक नॉनस्टिक फ्राई पैन और डाल देते हैं इसमें तेल 3 बड़े चम्मच। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और इसे सौते कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसी बीच हम इसमें डाल देते हैं खड़े मसाले, जिसमें है तेजपत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और देगी मिर्च 2 से 3 नंबर, और थोड़ी सी सिनेमन स्टिक भी। और इसे अब सौते कर लेते हैं जब तक कि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें हमारे कच्चे टमाटर की प्यूरी, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे सूखे मसाले, जो भी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। आप चाहें तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी देख सकते हैं। फिर मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच सॉल्ट। अब मैंने कर लिया है इसे अच्छे से मिक्स और इसे पका लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रेस्टोरेंट्स, ढाबों और ठेलने वालों का एक सीक्रेट है जो कोई भी आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताऊँगा आपको। ये वो सीक्रेट होते हैं। आप कभी सोचते होंगे कि हम बाज़ार में जो चीज़ खाते हैं वो घर में क्यों नहीं बना पाते हैं। उसके पीछे कुछ राज होता है जो कि कोई आपसे शेयर नहीं करता है। मैं बताता हूँ आपको, तो चलिए। अब मैंने लिया है 1 पतीला, उसमें डाला है 1 कप पानी। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा मैंने इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच चाय पत्ती। आप यहाँ देख सकते हैं चाय पक चुकी है, यानी कि ब्रू हो चुकी है अच्छे से। अब मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर और उसमें डाल दी है हमारी सारी की सारी ग्रेवी। फिर लिया एक चाय छानने की छलनी और हमारे चाय के पानी को हमारी ग्रेवी के अंदर मैंने छान लिया है। ये तो था पहला सीक्रेट रेस्टोरेंट वालों का। अब जैसे ही हमारे मसालों में बॉईल आ जाएगा मैं इसमें डाल दूंगा हमारे छोले। मगर ध्यान दीजिएगा, छोले में पानी बहुत ही कम मात्रा में डालना है। पानी इतना ही डालना है ताकि छोले हमारे भीग सके, यानी कि डूब सके, पूरा ऊपर तक नहीं भरना है। आप यहाँ देख सकते हैं पानी की क्वांटिटी, मैंने छोलों के बराबर ही उसे डाला है। अब बारी है हमारे दूसरे सीक्रेट की, जो कि रेस्टोरेंट में यूज़ होता है, वो है बेकिंग सोडा। मैंने 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है इसमें। डालने के तुरंत बाद ही आप देख सकते हैं रिएक्शन एसिड और अल्कलाइन का। अब एसिड और अल्कलाइन का जो रिएक्शन है वो कार्बन डाई प्रोड्यूस करेंगे, और कार्बन डाई इतनी हीट प्रोड्यूस करेगी कि आपके छोले बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएंगे, और यकीन मानिए टेस्ट भी एकदम लाजवाब होगा। आप देख सकते हैं झाग कितने आ रहे हैं, मगर ध्यान दीजिएगा कि आप सोडा 1/2 चम्मच से ज़्यादा ना डालें। बस अब आपको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है, सीटी लगाना है और इसे पका लेना है 6 से 8 विसल तक। लगभग 7 सीटी हो चुकी है। अब खोलते हैं हमारे प्रेशर कुकर को और दिखाते हैं आपको हमारे छोले कि छोले कितनी अच्छी तरीके से कुक हुए हैं, आप देख सकते हैं खुद। अब करना है हमें आखिरी काम, हमें लगाना है तड़का हमारे छोलों के अंदर।
अब तड़के के लिए मैंने लिया है एक नॉनस्टिक पैन और उसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी और डाली है 1/2 चम्मच हींग और साथ ही साथ इसमें डाली है मैंने स्लिट की हुई ग्रीन चिली और स्लाइस किया हुआ जिंजर। ये देगा आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला लुक भी। और इसे पका लिया है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक और डाल दिया है हमारे छोलों में और एक बॉयल आने तक छोड़ा है और फिर गैस को कर दिया है बंद। ये आपको मेरी आज की रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिले। सबसे जो देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज तो मेरे पेज द एरोमेटिक लाइफ को लाइक कीजिएगा। आपका एक शेयर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। तो बचे रहिए, घर पे रहिए, हाथ बार बार धोइए, सैनिटाइज करिए अपने हाथ को और कोरोना से बचिए। हमें जंग जीतनी है। जय हिंद।